तो यार कैसे हो तुम सब। हाँ यार, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ यार कॉल ऑफ ड्यूटी की। खैर, कॉल ऑफ ड्यूटी एक ऐसा गेम है यार जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कॉल ऑफ ड्यूटी की इंडिया में रिलीजिंग डेट की, तो यार पता चला है कि नवंबर की 15 या 16 को ये गेम रिलीज हो जाएगी। खैर, अभी लंबा इंतजार है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जितनी अच्छी ये गेम है इतना इंतजार तो बनता है भाई। अब यार जब तक ये गेम रिलीज नहीं हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस गेम की जो गन्स हैं, जो एआर राइफल्स हैं, उनके बारे में कुछ बता दूँ, ताकि जब तुम ये गेम खेलो तुम्हें पता हो कि भाई कौन सी राइफल जो है किस तरह काम करती है। अब यार एआर्स में जो सबसे बैलेंस्ड गन जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमेशा हर स्थिति में तुम्हारा साथ देगी, वो है M4। तो यार कॉल ऑफ ड्यूटी में जो M4 है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। अब यार एक एआर में जो है हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो दो मेन चीजें हैं वो है इसकी एक्यूरेसी और इसका डैमेज। डैमेज जो है इसका 45 है और एक्यूरेसी 70 है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो रिकॉइल होगा यार वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होगा। तो बात कर लेते हैं यार बाकी चीजों की। फायर रेट इसका 60 है और रेंज 45 है, और यहाँ पे यार सबसे नीचे तुम्हें मोबिलिटी दिख रही होगी, वो है 60। अब यार तुम में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। मोबिलिटी का यार मतलब होता है कि तुम एक गन को लेकर कितनी तेज भाग सकते हो। खैर यहाँ पर 60 है, तो तुम अपनी नॉर्मल स्पीड में M4 को लेकर भाग सकते हो। और यार जब बात ARs की हो रही हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यार AK-47 का नाम ना आए। अब यार कॉल ऑफ ड्यूटी में AK-47 कैसी दिखती है तुम अभी देख लो। तो यार बात कर लेते हैं इसके डैमेज और एक्यूरेसी की। यार इसका जो डैमेज है वो है 70 का, बहुत ही तगड़ा डैमेज है भाई। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी नहीं भाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है। 45 की एक्यूरेसी आपको मिल रही है, जिसका मतलब साफ है कि भाई तुम्हें तगड़ा रिकॉइल देखने को मिलेगा। और जो इसकी रेंज है यार वो है 65 की, फायर रेट जो है वो 55 का है, लेकिन मोबिलिटी 60 है, तो यानी कि नॉर्मल स्पीड में भाग सकते हो। कुल मिला के यार सिर्फ इतना है कि इसे चलाते तो तुम्हें तगड़ा रिकॉइल देखने को मिलेगा। क्या तुम जानते हो कि उसे कैसे कंट्रोल करना है भाई। अब यार जो गन तुम आगे देखने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है यार कि वो AK-47 और M4 का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। खैर पहले देख लो यार कि वो गन कॉल ऑफ ड्यूटी में दिखती कैसी है। तो यार इस गन का नाम है AK-117। भाई कमाल की गन है, डैमेज जो दे रही है वो 50 का दे रही है, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो भी बैलेंस्ड है 55 की, यानी कि रिकॉइल तुम्हें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। रेंज जो है वो भी नॉर्मल 45 की दे रही है, और फायर रेट भी 70 का है भाई। मोबिलिटी भी नॉर्मल है, 60 की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के बैलेंस्ड गन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। खैर यार इसके बाद जो गन हमारे सामने आ रही है उसका नाम है LK-24, और ये रहा उसका लुक भाई। अब यार LK-24 एक शानदार गन है, बिल्कुल M4 के जैसे काम करती है, सेम M4 जैसे फीचर्स हैं, बस एक चीज को छोड़कर। डैमेज जो है वो भी 45 का है, फ्लेयर फायर रेट जो है वो भी 60 का, एक्यूरेसी जो है लगभग M4 जैसी है 67 की, और मोबिलिटी भी 60 की है। लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है भाई वो है इसकी रेंज। ये 50 की रेंज देती है भाई, कमाल का इसका जो फंक्शन है भाई। तो यार अब मैं जो तुम्हें गन दिखाने वाला हूँ यार उसका नाम है Type 25। अब यार कॉल ऑफ ड्यूटी में ये गन कैसी दिखती है अब तुम्हें देख लो। तो अब यार इस कमाल की गन का जो डैमेज है यार वो 55 का है, फायर रेट जो वो 70 का है, रेंज 60 की, और मोबिलिटी भी 60 की है। लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है भाई वो 45 की है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर 1 AM जितना रिकॉइल मिलेगा। खैर यार तुम माहिर हो, तुम्हें पता है कि कैसे संभालना है इस रिकॉइल को। फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं इस वीडियो की जो लास्ट गन है उसकी तरफ। अब यार इस AR राइफल का नाम है ASM-20। भाई मुझे ऐसा लगता है यार कि ये गन जो है तुम्हें एक हाई डैमेज के साथ एक बैलेंस्ड पावर देती है। खैर पहले देख लो कि कॉल ऑफ ड्यूटी में यह गन दिखती कैसी है। अब यार जैसा कि तुम देख सकते हो कि डैमेज जो है वो 60 का दे रही है, और एक्यूरेसी जो है 50 की दे रही है, मतलब कि रिकॉइल जो है वो इसमें कम होगा, डैमेज भी ज्यादा होगा, और फायर रेट, रेंज और मोबिलिटी जो तीनों ही 55 की रहेंगी। तो यार कुल मिलाकर सीन ये है कि तुम्हें एक बैलेंस्ड पावर मिलेगा, जिसमें कि रिकॉइल कम होगा, डैमेज ज्यादा होगा, और फायर रेट, रेंज और मोबिलिटी जो है तीनों ही बराबर तुम्हें मिलेंगी। खैर तुम्हारी स्पीड जो कम हो जाएगी, क्योंकि 60 की जगह 50 या मोबिलिटी तुम्हें मिल रही है। तो यार अगर तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, अगली वीडियो में जो मैं उसको बिल्कुल कवर करूंगा। और अगली वीडियो में तुम्हें कौन सी गन की डिटेल चाहिए भाई वो भी लिख देना, मैं उसको भी अगली वीडियो में जो है कवर कर लूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई सजेशन हो तो यार नीचे कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है, लिख डालो।
मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।